गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, माय नेम इज़ डॉक्टर, मेरा नाम है डॉक्टर जनार्दन। और मेरा जो MBBS है, मैं अब्रॉड से ही पढ़ा हूँ, जो है रशिया से मैं मेरा MBBS कम्प्लीट किया था, स्मॉलिंग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर आपने सुना होगा तो बहुत लोगों को ये पता होगा, एंड जो मुझे पहले से फॉलो करते आए होंगे उन्होंने मेरा पूरा जर्नी देखा होगा, मतलब ट्रैवलिंग और मेरा FMG, बाद में उसके बाद मैं इंडिया आके FMG दिया इसी साल, उसके बाद वो भी क्लियर हो गया है और तुम्हारा भाई अब डॉक्टर बन गया है। एंड आज का जो टॉपिक होगा वो थोड़ा हॉट टॉपिक है करेंटली, क्योंकि देखो अभी MS आपको पता ही होगा, सीट्स MBBS सबको MBBS ही करना है। जो लोग नीट देते हैं वो यही दिमाग में सोच के जाते हैं कि भाई हमको MBBS ही करना है और भाई अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा सोच के जाते हैं। बट इंडिया में कहीं ना कहीं सीट्स काफ़ी कम है MBBS जिन स्टूडेंट्स को करना है उनके लिए, और प्राइवेट का आपको पता ही होगा, उसके ऊपर तो कोई डिस्कस करने का यही नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज का आपको फीस पता है कितना है। तो फिर आज हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं, तो फिर मतलब जो अब्रॉड से MBBS करना चाहते हैं मेरे भाई बहन जो इंडिया में है करेंटली, और जो लोग मतलब नीट रिपीटर्स है, मतलब काफ़ी लोग रिपीट भी करते हैं जिनको MBBS करना होता है बट ड्यू टू सम रीजंस इंडिया में सीट्स नहीं मिल पाती, जो भी होगा वो नंबर्स कम आ गए या फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो सीट वो कॉलेज नहीं मिल पा रहा, तो वैसी बात होती है। तो हम डायरेक्टली आज डिस्कस करेंगे कि भाई अब्रॉड में यूनिवर्सिटीज़ कैसे चूज़ करनी चाहिए, कौन से बजट में चूज़ करनी चाहिए, मतलब देखो आपको यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी मिलेंगी अब्रॉड में, रशिया में मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 15 लाख से लेके अपना 60-70 लाख तक जाता है फॉर 6 ईयर्स, ये पैकेज है। तो फिर ये आपको मतलब कौन से रेंज में चूज़ करनी चाहिए, किसको कौन सा चूज़ करना चाहिए यूनिवर्सिटी, तो उसी बारे में डिस्कस करेंगे आज। और काफ़ी लोग स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं ये मतलब मैटर्स में कि भाई भैया बता दो हमको कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ करना अच्छा है वो सब, तो आज वही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई देखो क्या होता है कि आप अब्रॉड में कहाँ भी जाओ, रशिया की बात नहीं कर रहा मैं, सारे अब्रॉड में बात करो, जैसे कि जॉर्जिया भी अभी काफ़ी पॉपुलर में है, जॉर्जिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, एंड जहाँ भी जाओ आपको सेल्फ स्टडी करना ही है। जैसे अगर पुराने वीडियोस में मैंने बताया है 90% आपका सेल्फ स्टडी होगा और 10-20% आपका मतलब टीचर्स के थ्रू एफर्ट्स होगा, ये मतलब आप कोई भी यूनिवर्सिटी कौन से महंगी भी यूनिवर्सिटी चूज़ करो आपको यही सिनेरियो दिखने मिलेगा। अगर बहुत सारे कंसल्टेंसीज मार्केटिंग के लिए बोल देते हैं कि भाई हमारे यूनिवर्सिटी में हम FMG का कोचिंग देते हैं, नेक्स्ट का कोचिंग देते हैं, बट क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं एक मंथ का ही होता है और उससे ज़्यादा तो होता नहीं है वो कोचिंग। सो यही है दिक्कत, आपको कोई 6 साल के लिए FMG का कोचिंग देने नहीं वाला, तो बस वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है ये, तो फिर वो समझ के आप अपना यूनिवर्सिटी चूज़ करिएगा। मैं अभी बताऊँगा एक आपको बस सिंपल सा ट्रिक, तो आपको समझ जाएगा कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छा होगा। भाई देखो यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ करनी चाहिए, पहले तो हम यूनिवर्सिटी को 4 हिस्सों में बांट देते हैं, फीस के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। अब आपकी 14-15 लाख वाली यूनिवर्सिटी हो गई, एक आपकी 15-20 लाख वाली हो गई, 20-25 वाली हो गई, और एक हो गई अपनी 30 लाख के अबाव, 30 लाख के अबाव, और मतलब 60-70 लाख तक भी आपको यूनिवर्सिटी मिल जाती है। ये रशिया की बात कर रहा हूँ मैं, अब्रॉड भी मतलब सारी जगह यही हाल है, आपको ये इसी रेंज में यूनिवर्सिटीज़ मिलता है। बट रशिया क्या है कि आई गेस चीपर है थोड़ा, चाइना भी चीपर था बट चाइना में आई गेस बैन हुआ है MBBS, और फिलीपींस में भी बैन हुआ है ड्यू टू सम रीजंस, चाइना का तो आपका पता ही होगा कोविड की वजह से। एंड सो देखो आपने चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया है यूनिवर्सिटीज़ को। अभी फिर हम डिस्कस अभी कंपेयर करते हैं सब ये सारे रेंज के यूनिवर्सिटीज़ को। सबसे पहले तो हम 14-15 नीचे वाले जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं 15-20 लाख को कंपेयर करेंगे अपन 20-30 लाख या 30 लाख अबाव वाले यूनिवर्सिटीज़ के बजट को, मतलब कंपेयर करते हैं ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ को। तो फिर देखिए कैसा होता है कि आप 14-15 लाख वाली चूज़ करो या फिर 30 लाख वाली चूज़ करो, आपको पोर्शन जो पढ़ाने वाले हैं वहाँ पे वो सेम ही रहने वाला है, कहीं भी कुछ चेंज नहीं होने वाला, और आपको जो मतलब 3 रशियन लैंग्वेज वहाँ भी सीखनी पड़ेगी, आप चाहे 30 लाख वाले में पढ़ो या 50 लाख वाले में पढ़ो या फिर 15 लाख वाले में पढ़ो, फॉर 6 ईयर्स का पैकेज बता रहा हूँ मैं, तो फिर आपको रशियन लैंग्वेज तो वहाँ भी सीखनी पड़ेगी, रशियन लैंग्वेज वहाँ भी सीखनी पड़ेगी, दोनों जगह सीखनी पड़ेगी। और रशियन लैंग्वेज ये एज अ सब्जेक्ट मत समझो, ये मतलब एक सर्वाइवल स्किल है आपको वहाँ पे रशिया में, अगर आपको सर्वाइव करना है तो रशियन लैंग्वेज थोड़ा बहुत आना ही चाहिए, तो बात इसकी हो गई। तो फिर देखो ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ में मतलब 15-20 लाख वाली और अपनी 30 लाख वाली, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली सेल्फ स्टडी ही होने वाला है भाई, मतलब आप कहीं भी जाओ कुछ भी करो भाई आपको मतलब सेल्फ स्टडी होने वाला है, आपको कोई बताएगा नहीं। अभी क्लियरली ठीक के हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई आपको सारा सेल्फ स्टडी करना है तो ही अब्रॉड जाओ या तो फिर मत जाओ,
अगर जो बंदा डिटर्मिनेशन है भाई मेरे को डॉक्टर ही बनना है और कुछ भी नहीं करना है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे भाई इंडिया में, तो ही अब्रॉड जाओ। मैं बता रहा हूँ कि सारे यूनिवर्सिटीज़ में बस सेम होता है पोर्शन, बस ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कंसल्टेंसीज़ की। डेट्स वाई मतलब इसकी वजह से ही मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ का फीस ज़्यादा होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का फीस कम होता है। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं भैया ये यूनिवर्सिटीज़ का फ़ी इतना कम क्यों है, यहाँ पे कुछ ये तो नहीं स्कैम तो नहीं हो रहा हमारे साथ, और ये यूनिवर्सिटीज़ का फ़ी इतना ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे अच्छा है बहुत, ऐसा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। सारी यूनिवर्सिटी सेम है। सेल्फ स्टडी में अभी वापस बोल रहा हूँ, सेल्फ स्टडी यही आपको करना है दोनों यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैं बोलूँगा कि भाई अगर आपका सेल्फ स्टडी 15 से 20 लाख में हो रहा है तो 30 लाख में सेल्फ स्टडी करने क्यों जा रहे हो, यही मेरा पॉइंट था बोलने का, और तो कुछ नहीं। मतलब तो ये जो समझदार होगा वो उसको समझ ही गया होगा, अभी उसको समझ ही गया होगा कि मतलब कौन सा यूनिवर्सिटी अभी चूज़ करना चाहिए उसको। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। हाँ छोटे मोटे मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं और कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं मतलब सारे यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम है उसकी लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कोई कौन से यूनिवर्सिटी में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वो यूनिवर्सिटीज़ को मतलब आप अवॉइड कर देना इन फ्यूचर। मतलब पहले यूनिवर्सिटीज़ वो अच्छी थी बट करेंटली आई डोंट थिंक दे आर सेफ टू टेक एडमिशन, तो फिर ऐसी बात है। तो मुझे क्या है कि मैं बस आपको रियलिटी बता रहा हूँ सारी, मतलब मैं जहाँ मतलब रशिया में रहा था, मतलब मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। मैं 6 साल रशिया से पढ़ा हूँ और मुझे काफ़ी मैं सारे बहुत सारे सिटीज़ भी घुमा हूँ, और मतलब वहाँ के स्टूडेंट से भी मैंने कम्युनिकेट किया हूँ, मतलब कैसा बात किया हूँ मैं वहाँ पे जाके, तो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो मतलब आपकी चॉइस है वैसे। एंड देखो मुझे 30-35 लाख जो 6 ईयर्स का पैकेज होता है वो यूनिवर्सिटीज़ से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं वैसे, बट क्या है कि भाई वहाँ पे ऐसा आपको कुछ अलग नहीं मिलेगा जो आपको 15 लाख में नहीं मिल रहा, ये बात समझ लेना भाई। तो फिर मैं बोलूँगा कि कुछ लोग काफ़ी लोग होते हैं सर बोलते हैं कि भैया मुझे लोन लेना है एंड ऑल, तो देखो भाई मैं तो लोन में आपकी मदद नहीं कर सकता, वो तो आपको खुद करना पड़ेगा। बट लोन लेके लोग 30-35-40 लाख का पैकेज वाली यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, तो इसकी मैं बोलूँगा कि कुछ कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। बिकॉज़ क्या होता है कि वो मैं जैसे मैंने बताया आपको सब सेम ही है और प्रॉब्लम आएगा नहीं वैसे आपको 15 लाख या 20 लाख वाली यूनिवर्सिटी में भी। और जहाँ बात रही FMG पास रेशियो की, तो FMG पास रेशियो जो होता है आपको जो गूगल पे दिखता है वो भाई कौन सा है FMG रेशियो मुझे पता नहीं भाई। मतलब कभी कोई यूनिवर्सिटी का आप सर्च करो 20% दिखाता है, 22% दिखाता है, मतलब वो कौन से बेसिस पे दिखा रहा है भाई, कौन से साल का दिखा रहा है, वो कुछ किसी को पता नहीं है भाई। तो ऑफिशियल लिस्ट होता है कितने बच्चे पास आउट हुए हैं वो यूनिवर्सिटी से, वो कहीं ऑफिशियली बाहर निकलता नहीं है वैसे, स्टूडेंट्स के हाथ में तो आता नहीं है, तो पता नहीं भाई ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो उसको। वो मतलब जो थोड़े बहुत पहुँचे हुए लोग हैं उनके पास ही जो लिस्ट आती है पूरी की पूरी, तो पता नहीं भाई ये FMG जो गूगल पे आपको दिखता है वो उसके ऊपर तो जाना ही मत कोई, उसके वो चूज़ करके कि कोई यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन मत लेना। और मतलब FMG रेशियो डजंट मैटर, मतलब मैटर तब करता है कि भाई वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स कैसे पढ़ रहे हैं। अगर आप समझ लो कि भाई पढ़ाई का एनवायर कोई मतलब सस्ती यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको डाल दिया जाए, और प्रीमियम वाली मतलब बहुत महंगी वाली यूनिवर्सिटी है 40 लाख पर पैकेज है 6 ईयर्स का, उसमें जो ना पढ़ाई करने वाले बच्चों को डाल दिया जाए, तो फिर जो जहाँ पे पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं मतलब जो कम बजट में पढ़ रहे हैं तो वहाँ उस यूनिवर्सिटी का FMG पास जो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो और वहाँ पे जहाँ पे हमने जो पढ़ाई नहीं करते बच्चे उनको डाल दिया है तो वहाँ पे वो वहाँ पे भी नहीं पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो फिर वहाँ उस यूनिवर्सिटी का कितनी भी महंगी हो उसका FMG रेशियो कमी आएगा ना, तो फिर वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कैसे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और ना ही डिपेंड करता है कि भाई कितने पैकेज में आप पढ़ रहे हो। और आपको ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर आप महंगे से महंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो इंडिया में आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छे डॉक्टर एज ए रिकॉग्नाइज हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपका यही ये होना चाहिए कि जो भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आप वो WHO या NMC अप्रूव होना चाहिए, ये ही क्राइटेरिया है बस, और कोई क्राइटेरिया नहीं है वैसे। हाँ तो फिर क्या है कि इतना भी बताने के बाद भी जिन लोगों को मतलब लेना है महंगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन तो वो ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मतलब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ले ही सकते हैं, बट मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते लोन लेके जाते हैं या फिर बोलते हैं महंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे अच्छा होगा ना, तो फिर ऐसा कोई भी बात नहीं है। आप ये समझ लो, अगर पेरेंट्स भी मेरा वीडियो देख रहे हैं फिर आप ये भी बात जान लो। बट अगर किसी को पढ़ना ही है मतलब कोई स्टूडेंट का शौक होता है कि मुझे मॉस्को में पढ़ना है या फिर पीटर्सबर्ग में पढ़ना है, तो फिर वहाँ पे तो आप समझ लो कि भाई
6 to 7 lakhs या 10 lakhs का ये होता है भाई पर ईयर का पैकेज होता है, तो उस हिसाब से आप जा सकते हो। जिसको मतलब है कि भाई मुझे रशिया में मॉस्को में ही पढ़ना है तो भाई वो जा सकता है, ऐसा है। तो उसके लिए मैं कुछ अपोज नहीं कर रहा किसी को या फिर किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, बस मैं मेरा पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ और यही ग्राउंड यही मतलब रियलिटी है वहाँ की। आप बाद में आप महंगी यूनिवर्सिटी में बच जाके स्टूडेंट्स रिग्रेट करते हैं, हमने भी काफ़ी रिग्रेट किया था कि भाई वहाँ जाके मालूम पड़ता है कि भाई इससे भी सस्ते ऑप्शन थे, तो फिर हमको तभी पता चलता तो इससे भी हम सस्ते में MBBS कर लेते थे, समझ रहे हो, ऐसी बात है। तो स्टूडेंट्स ये भी मतलब डिस्कस करते हैं कि भाई अगर भाई और सस्ते में हो जाता है हमारा MBBS वहाँ पे, तो फिर मैं बोलूँगा कि MBBS अब्रॉड में आप ज़्यादा पैसे अपने वेस्ट ही ना करो, बल्कि ये पैसे आप बचा के रखो, आप अपने खुद के लिए यूज़ कर सकते हो, कभी भी कुछ भी आपको काम आ सकता है। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि MBBS अब्रॉड में आपको सेल्फ स्टडी होता है, आप मतलब बेसिकली क्या कर रहे हो कि आप 30-40 लाख देके या 20 लाख या 15 लाख देके आपको खुद MBBS की डिग्री पढ़नी है, और डिग्री क्या है कि आसानी से मिल जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम आता नहीं वैसे बहुत बड़ी, ठीक है। और रशिया में एग्ज़ाम पास करना इतनी कोई बड़ी बात है नहीं वैसे, मेन तो आपको क्या है कि भाई आपको इंडिया में आके FMG का जो भी एग्ज़ाम है वो निकालना है, FMG नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम आएगा वो बस आपको निकालना है। अगर आप महंगे से महंगी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हो और इधर आके एग्ज़ाम पास नहीं हो पाते तो फिर आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना, आप मॉस्को से पढ़ो या पीटर्सबर्ग से पढ़ो। और जो बंदा सस्ते से सस्ते यूनिवर्सिटी में पढ़ के भी एग्ज़ाम निकाल देता है तो उसका तो ये हो गया ना, सोने पे सुहागा हो गया, मतलब उसने MBBS भी सस्ते में कर ली और FMG का एग्ज़ाम भी निकाल दिया, नेक्स्ट एग्ज़ाम भी निकाल दिया, तो वैसा होता है भाई। तो फिर आप ये समझ लेना, आप दिमाग में क्लियरिटी रखना भाई, ये ऐसे ही वीडियो मतलब बहुत कम लोग बनाते हैं वैसे, बट मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि सब रियलिटी आपके सामने रख दूँ वैसे। तो भाई मतलब मैं बताना चाहूँगा कि इतना ही बोलना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज ऐसी चूज़ करो जो आपके बजट में फिट होती हो, आपका बजट मतलब ट्राई मत करो कि आपके मतलब मदर फादर का पैसा वेस्ट चला जाए, मतलब लोन लेके आप अपना कंसल्टेंसी स्कूलों को दे रहे हो तो उनकी जेबें भर रही है बस, और आपको मतलब कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा वैसे, तो समझ रहे हो आप मेरी बात। तो आपको मतलब बजट में ही यूनिवर्सिटी चूज़ करो, 15 से 25 लाख में कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करो, बट वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये आप मेक श्योर करो कि कुछ है नहीं वहाँ पे दिक्कत ना, हॉस्टल प्रॉब्लम हो गया वैसे और बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया, कंसल्टेंसी का फाइट भी होता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, तो फिर ये सारी दिक्कतें हैं वहाँ पे रशिया में, करप्शन भी कोई कोई यूनिवर्सिटी में होता है, तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स है करंटली रशिया में। और बात करें अगर प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल मतलब सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको मतलब कम ही मिलता है। देखो कैसा होता है कि आपको फर्स्ट ईयर में रशियन नहीं आती, ना ही सेकेंड ईयर में इतनी रशियन आपकी इंप्रूव हो पाती है, तो आपको डायरेक्टली फर्स्ट ईयर में आपको पेशेंस नहीं दिखाते कोई भी यूनिवर्सिटी में, कितना भी बड़ा सिटी होने दो, मतलब किसी किसी का माइंडसेट ऐसा होता है कि बड़ा सिटी होगा तो फिर पेशेंट्स इन्फ्लो ज़्यादा होगा, तो ऐसा नहीं होता भाई, पेशेंट इन्फ्लो तो ज़्यादा होगा बट आपको वो दिखाई नहीं जाएंगे पेशेंट्स, क्योंकि भाई आपको तो रशियन आती ही नहीं, और अगर आपको रशियन पेशेंट दिखा दिया आप ना कुछ उसको पूछ पाओगे ना ही आपको वो कुछ अच्छे से बता पाएगा, वो तो आप समझ पाओगे भाई, तो वैसी दिक्कत है भाई। तो फिर आपको थर्ड ईयर तक आपकी रशियन इंप्रूव हो जाती है काफ़ी, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स ईयर में आपको रशियन पेशेंट दिखाया जाता है काफ़ी, मतलब ठीक ठाक आपको एक्सपोजर मिल जाता है वहाँ पे। ये है यही है कि बस आपको इंडिया से कम ही मिलेगा जहाँ भी जाओ आपको, तो फिर ये आप सोच लेना बस। तो भाई इतना मतलब ज्ञान देने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि भाई आपको कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहिए, आपको आंसर मिल गया होगा कि भाई कि रशिया या फिर कहीं भी जा रहे हो तो फिर क्या माइंड सेट से आपको जाना चाहिए, आपको मतलब दिमाग में कुछ सोचना नहीं है कि भाई मेरे को 30-40 लाख में मिल गया तो फिर मैं अभी मेरा लाइफ सेट है भाई, अभी तो भाई कुछ भी कर दूंगा, ऐसा नहीं है भाई। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मुझे लगता है कुछ लोग ऑफेंड तो नहीं हुए आप, मतलब किसी यूनिवर्सिटी को मैं ऐसा बुरा नहीं कह रहा वैसे, पर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करें और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर MBBS अब्रॉड के बारे में कोई भी डाउट हो तो फिर आप मुझे अपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे लिख सकते हो, मैं आपको 24 आवर्स में रिप्लाई दे ही दूंगा वैसे। तो फिर देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर पेकुलिया, तब तक और काफ़ी सारी वीडियोस मैंने ट्रैवलिंग के ऊपर भी बनाई थी, वो भी आप चेक कर सकते हो वैसे, और ट्रैवलिंग बाद में ये इंफॉर्मेटिव काफ़ी सारे डॉक्टर्स के साथ मतलब पॉडकास्ट इंटरव्यू टाइप में बनाए थे, वो भी आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर जाके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।